नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। ये फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स के मालिक एलन मस्क को ब्राजील ने दिया बड़ा झटका। ब्राजील में नियम कानूनों का उल्लंघन करने और प्रतिनिधि नियुक्त नहीं करने पर जज ने देश में एक्स की सेवाओं को निलंबित कर दिया है। साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स ने आधुनिक क्रिकेट के 5 सर्वश्रेष्ठ फील्डरों की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के सुरेश रैना को पहले स्थान पर रखा गया है। दूसरे स्थान पर एबी डिविलियर्स, तीसरे पर पॉल कॉलिंगवुड, चौथे पर हर्षल गिब्स और पांचवें पर एंड्रयू साइमंड्स को शामिल किया गया है। बेगूसराय में असामाजिक तत्वों ने केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह पर हमला किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमलावर के रूप में शहजादुज्जम्मा उर्फ सैफी, जो कि एक वार्ड पार्षद है, उनका नाम सामने आया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। दिल्ली प्रीमियर लीग 2024 में साउथ दिल्ली सुपर स्टार के ओपनर प्रियांश आर्य ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही ओवर में 6 छक्के लगाकर मैच का रंग बदल दिया। प्रियांश आर्य ने युवराज सिंह की तरह बड़ा कारनामा किया है। उनकी इन शानदार पारियों से टीम को बड़ी जीत की उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार ने एनटीसी के तहत प्रोजेक्ट चिता पर आधारित 4 भागों वाली वेब सीरीज को मंजूरी दे दी गई है। ये सीरीज अफ्रीका से भारत में चितों के स्थानांतरण के प्रयासों पर केंद्रित होगी और सितंबर में फिल्मांकन शुरू होगा। डिस्कवरी नेटवर्क पर 170 देशों में विभिन्न भाषाओं में प्रसारित की जाएगी। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक गोपीचंद थोटाकुरा ने ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के तहत अंतरिक्ष की सफल यात्रा की। उन्हें 1984 में राकेश शर्मा के बाद दूसरा भारतीय अंतरिक्ष यात्री माना जाता है। अंतरिक्ष पर्यटन के बढ़ते क्रेज के बीच लोग इस साहसिक अनुभव की लागत को लेकर उत्सुक हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगले सप्ताह 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान वे भारतीय मूल के लोगों, छात्रों, कारोबारियों, थिंक टैंक और स्थानीय नेताओं के साथ संवाद करेंगे। उनकी यात्रा का उद्देश्य भारतीय और अमेरिकी समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत करना और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना है। लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने 5 सांसदों के साथ एक वीडियो संदेश जारी कर पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर की है और राजद पर साजिश का आरोप लगाया है। पासवान ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा कि विपक्ष की ओर से पार्टी के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है। इंडिगो की फ्लाइट के अचानक इंजन फेल होने के कारण बीती रात कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। विमान जो बेंगलुरु जा रहा था, उसमें 173 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। एक यात्री ने इंजन में आग लगने का दावा भी किया था, लेकिन इसकी पुष्टि अधिकारियों ने नहीं की। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पहली तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि के अनुमान में अंतर की पुष्टि की। रिजर्व बैंक ने 7.1% वृद्धि दर का अनुमान लगाया था, जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वास्तविक वृद्धि दर 6.7% घोषित की। यह आंकड़ा बैंक के पूर्वानुमान से कम है। दिल्ली उच्च न्यायालय में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया है कि उनके शाकाहारी टूथ पाउडर दिव्य मंजन में मांसाहारी तत्व, विशेष रूप से मछली के अर्क से प्राप्त समुद्र फेन शामिल है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इस उत्पाद पर हरे बिंदु का शाकाहारी प्रतीक अंकित है, जो भ्रामक हो सकता है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेलवे ने काफ़ी समय से लंबित समस्याओं के समाधान में बड़ी प्रगति की है और ये अब तक नहीं रुकेगी जब तक ये समाज के सभी वर्गों के लिए आरामदायक गारंटी नहीं बन जाती। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 27 अगस्त को अपने 67 साल पूरे किए, जो अब 40 भाषाओं में प्रकाशित होती है और 100 से ज़्यादा देशों में पहुँच चुकी है। ये किताब 1955 में जुड़वा भाइयों नॉरिस और रॉस द्वारा शुरू की गई थी और पहले साल ही इसकी 1.87 लाख प्रतियां जो है बिक चुकी है। आज ये पुस्तक टीवी शो, सोशल मीडिया और लाइव इवेंट्स में भी प्रमुख स्थान रखती है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लखीसराय में कहा कि राज्य में अपराध बढ़ने की जिम्मेदारी आरजेडी पर है, जो अपराधियों को संरक्षण देती रही है। तेजस्वी यादव की ट्रांसफर पोस्टिंग पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए सिन्हा ने कहा कि यादव परिवार का अनुभव किसी प्रमाण के बिना आरोप लगाने का है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिससे ग्राहक बिना क्रेडिट कार्ड के भी एटीएम में कैश जमा कर सकेंगे। इस सुविधा का नाम यूपीआई इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट है। इसका उद्देश्य यूपीआई के माध्यम से कैश जमा करने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना है। लाओस स्थित भारतीय दूतावास ने बोकेओ प्रांत में गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन से 47 भारतीयों को सफलतापूर्वक बचा लिया है। अब तक कुल 635 भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा चुकी है। दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर उनकी सुरक्षित वापसी और आवश्यक सहायता की व्यवस्था की है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि भारतीय राजधानी दिल्ली में शेख हसीना की मौजूदगी भारत और बांग्लादेश रिश्तों में खटास पैदा कर सकती है। उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया कि अगर बांग्लादेश की ओर से कोई औपचारिक अनुरोध आए तो हसीना को वापस भेजा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये नई ट्रेनें वर्तमान में चल रही 100 से अधिक वंदे भारत ट्रेनों के नेटवर्क में शामिल होंगी। इस विस्तार से रेल संपर्क को मजबूत कर 280 से अधिक जिलों को जोड़ा जाएगा। जनता दल यूनाइटेड ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में पत्थरबाजों और राजनीतिक कैदियों की रिहाई का वादा किया है। पार्टी ने पहले चरण के मतदान के लिए 18 सितंबर को 2 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कई असंतुष्ट उम्मीदवार दूसरे चरण के मैदान में होंगे। जदयू ने कहा कि शांति और सुलह को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे मामलों की समीक्षा की जाएगी। इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस ने कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदन की विंडो फिर से खोल दी है। इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए इच्छुक उम्मीदवार ITBP की आधिकारिक वेबसाइट requirement.itbppolice.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने होम लोन सर्विस की बीटा टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसके अलावा कंपनी संपत्ति पर लोन और सिक्योरिटीज पर लोन जैसे अन्य वित्तीय उत्पाद भी पेश करने की योजना बना रही है। जियो फाइनेंस लिमिटेड की इन नए उत्पादों से ग्राहकों को व्यापक वित्तीय समाधान मिलने की उम्मीद है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुल बिलमोर 6 सितंबर की रात स्टार लाइन कैप्सूल के जरिए स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटेंगे। उनका कैप्सूल 7 सितंबर सुबह 10 बजे न्यू मैक्सिको वाइट सैंड्स स्पेस हार्बर में लैंड करेगा। नासा इस वापसी की पूरी प्रक्रिया का लाइव प्रसारण अपने सोशल मीडिया और वेबसाइट पर भी करेगा। जयपुर में 11 महीने के कुक्कू उर्फ पृथ्वी का अपहरण कर लिया गया था, जिससे पुलिस ने उत्तर प्रदेश के निलंबित हेड कांस्टेबल तनुज चाहर से मथुरा में छुड़ाया है। हैरानी की बात यह है कि बच्चा किडनैपर के साथ रहने में ज्यादा खुश नजर आ रहा है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोनाक्षी सिन्हा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे डिनर के बाद अपने पति जहीर इकबाल के साथ गाड़ी में बैठती नजर आ रही हैं। वीडियो में सोनाक्षी पपराजी से घर जाने दे यार कहती हैं, जबकि जहीर इकबाल भी फोटोग्राफर्स को ग्रेट करते हैं। इस वीडियो की वजह से सोनाक्षी को उनके पपराजी के साथ व्यवहार के लिए ट्रोल किया जा रहा है। बिहार के नवनियुक्त DGP आलोक राज ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि मैं पूरे बिहार का DGP हूं और पुलिस मुख्यालय के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले रहेंगे। आलोक राज ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनका मुख्य उद्देश्य आम जनता का विश्वास जीतना है। केंद्र सरकार की पुरानी पेंशन योजना की जगह नई पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। इसके बाद कर्मचारी संगठनों में विरोध देखा गया। संगठनों ने PM नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की और विपक्ष को भी समर्थन जुटाने की कोशिश की है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 27 अगस्त को अपनी 67वीं सालगिरह मनाई, जो 1955 में लंदन के छोटे से ऑफिस से शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत दो भाइयों नॉरिस और रॉस ने की थी। पहले साल में 1.87 लाख प्रतियां बिकने के बाद अब तक इसकी 15 करोड़ से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। इस पुस्तक में अब तक 62,000 से अधिक रिकॉर्ड दर्ज किए जा चुके हैं और ये 40 भाषाओं में प्रकाशित होती हैं।
देश के कई राज्यों में इस समय मानसूनी बारिश जारी है, जिसमें गुजरात सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। यहाँ भारी बारिश के कारण अब तक 30 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और कई शहर जलमग्न हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में भी अच्छी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज मौसम साफ रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल जिन लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया है उनका नाम है राम बाबूदास, सपना कुमारी, संजीव कुमार, मोहम्मद शाकिर हुसैन, नौसाद रजा, सपना कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके फेवरेट सिंगर कौन है? इसका जवाब आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।